अब जूतम प्रचार शुरू हो चुकी है, हर जगह काटपाट शुरू हो चुकी है और कांग्रेस बहुत तेजी से पिछड़ रही है। दो जनों में लड़ाई हो गई, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में उल्टा फाड़ प्रतियोगिता चल रही। अब वो तो बड़े लोग हैं, एक दूसरे को उल्टा फाड़ते रहते हैं। आचार संहिता लगने के पहले किसी गांव में ये कह रहा था कि जो गांव प्रथम आएगा अच्छा काम करेगा, जो बूथ फर्स्ट आएगा उसके लिए अपनी विधायक विकास निधि से 25 लाख रुपये के निर्माण कार्य दूंगा, सामुदायिक भवन के लिए, मंगल भवन के लिए, अन्य काम के लिए। अब इसको किसी ने आधी वीडियो काट कर चुनाव आयोग को भेज दी, चुनाव आयोग ने उस पर एक्शन ले लिया, उसका चुनाव आयोग का जवाब तो हम दे देंगे, लेकिन आप पत्रकार हैं, आप खुद देखिए पूरी वीडियो, आपको समझ में आएगा सत्यता क्या है। नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज हम मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट सुर्खी विधानसभा में, जहां राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं। भाई साहब, तलवारें चल रही, कट्टा चल रहे, टिकट जो कांग्रेस में बंटवारा हो भाव से लड़ाई बिल्कुल सड़कों पर आ गई। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस की जो यात्रा हुई थी जन आक्रोश यात्रा, वो जन आक्रोश उनकी पार्टी के अंदर ही था। वो टिकट की लड़ाई में, टिकट की दौड़ में सारे प्रत्याशी उस समय एक थे, इसलिए उनको भीड़ भाड़ मिलती गई, भीड़ भाड़ दिखी। अब जूतम प्रचार शुरू हो चुकी है, हर जगह काटपाट शुरू हो चुकी है और कांग्रेस बहुत तेजी से पिछड़ रही है। दो जनों में लड़ाई हो गई, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में उल्टा फाड़ प्रतियोगिता चल रही। अब वो तो बड़े लोग हैं, एक दूसरे को उल्टा फाड़ते रहते हैं। भाई साहब, एक वीडियो वायरल हुआ था आचार संहिता के उल्लंघन का, आरोप लगा, आप पे मामला भी दर्ज हुआ, उसमें सच्चाई क्या है? देखिए, आचार संहिता का मैं कहीं उल्लंघन नहीं करता, मैं चुनाव आयोग का पूरा सम्मान करता हूँ। मैं चुनाव के पहले, आचार संहिता लगने के पहले किसी गांव में ये कह रहा था कि जो गांव प्रथम आएगा अच्छा काम करेगा, जो बूथ फर्स्ट आएगा उसके लिए अपनी विधायक विकास निधि से 25 लाख रुपये के निर्माण कार्य दूंगा, सामुदायिक भवन के लिए, मंगल भवन के लिए, अन्य काम के लिए। अब इसको किसी ने आधी वीडियो काट कर चुनाव आयोग को भेज दी, चुनाव आयोग ने उस पर एक्शन ले लिया, उसका चुनाव आयोग का जवाब तो हम दे देंगे, लेकिन आप पत्रकार हैं, आप खुद देखिए पूरी वीडियो, आपको समझ में आएगा सत्यता क्या है। भाई, इस तरह के झूठ फरे बोल आगे। देखिए, कांग्रेस हार के डर से इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है। वो शोभा ओझा जी इंदौर वाली हैं, मैंने उसके बारे में कहा है, कभी वो पार्षद का चुनाव तो लड़ी नहीं, न जीती हैं। सुरजेवाला जी एक जमाने में हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, और सुरजेवाला जी मध्य प्रदेश में आकर अंधकल बयानबाजी करने लगे। उनको बयान देने के पहले सोचना चाहिए कि वो सत्यता क्या है। तो कांग्रेस घबराई हुई है, हार के डर से घबरा रही, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। सुर्खी में बड़ा मेला लगा है, हमारे हजारों कार्यकर्ता बाहर खड़े हैं। सुर्खी हमारा परिवार है और परिवार के लोग हमेशा पांचों साल ऐसे आते रहते जाते रहते हैं, और ये चुनाव मैंने हमेशा कहा कि मैं नहीं, सुर्खी विधानसभा का एक एक नागरिक लड़ रहा है। पूरी तरह तैयारी है, अच्छी बड़ी पिक्चर, पूरे तरीके से तैयारी है। सुर्खी विधानसभा का मतदाता तैयार है और आत्मविश्वास के साथ हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, और निर्णय परिणाम बहुत अच्छे होंगे। भाई साहब, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि इस तरह के झूठ फरेब जब फैलाए जाएंगे तो उनसे कैसे निपटें? देखिए, झूठ सुर्खी विधानसभा की जनता बहुत अच्छे जानती है कि झूठ फरेब खूब चलेंगे। 25 आने वाली 17 तारीख तक खूब झूठ फैलेंगे यूट्यूब पर, यहाँ वहाँ दुनिया में, पर ये झूठ फरेब षड्यंत्र की राजनीति से हमारे सुर्खी विधानसभा का एक ही व्यक्ति परिचित है, वो हमको जानता है, हमारे व्यवहार को जानता है, हमारे आचरण को जानता है, इसलिए वो समझता है कि झूठ सत्य, झूठ झूठ है और सत्य सत्य, और मेरा व्यवहार, मेरा नेचर अलग है और षड्यंत्र अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत। ये गोविंद सिंह राजपूत थे जो उस वीडियो के बारे में जिक्र कर रहे थे जिस पर कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही, लिहाजा ये उनने जवाब दिया कि इस तरह के झूठ फरेब जो है सुर्खी विधानसभा में चलेंगे। हालांकि हम फिर कहते हैं कि जिसके पास कार्यकर्ताओं की फौज हो, बेहतर टीम हो, वही जो है चुनाव जीतता है। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना कांग्रेस को आता है, भारतीय जनता पार्टी को आता है, जबकि कांग्रेस इस तरह की अनर्गल बयानबाजी देकर, गालियां देके, बोला बोला के ये कह के हम पे मामले दर्ज हो रहा है, उससे जनता को कोई मतलब नहीं। जनता ये देखती है कि विकास कौन करवा रहा है, और विकास का दावा भाजपा कर रही है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सुर्खी।
न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।